तो आगरा में भयानक बारिश के चलते ताजनगरी बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है। भीषण जलभराव के बाद यहां घरों में कैद लोगों को निकालने के लिए पहली बार स्टीमर तक का प्रयोग किया गया है। कुछ जगहों पर नाव का इस्तेमाल किया गया है तो कुछ जगह सामान लाने ले जाने के लिए लोगों ने जुगाड़ से नाव तैयार किए। हालांकि अभी खतरा टला नहीं है क्योंकि पानी उतारने के बाद मकानों की नींवों के कमजोर होने का खतरा बहुत बढ़ गया है। बता दें कि आगरा की भीषण बारिश ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोगों ने यहां कॉलोनियों में जलभराव के बाद कभी रेस्क्यू के लिए स्टीमर और नाव का सहारा नहीं लिया, इस बार उन्हें सहारा लेना पड़ रहा है। भारी बारिश से वीआईपी क्षेत्र माने जाने वाले सदर इलाके के मीराबाग कॉलोनी में पानी भरने से 150 परिवारों के करीब 500 लोग घरों में कैद हो गए हैं।